आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। एतमादपुर लोहलारा गांव जिसमें लंबे समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीण खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि बरसात में जलभराव अत्यधिक हो जाता है, जिससे गंदगी और कीचड़ हो जाने से मच्छर और रोग जनित कीट पैदा हो जाते हैं। गंदगी से क्षेत्र में बीमारी फैल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जलभराव से हैंडपंप का पानी भी दूषित होने लगा है, जिसे पीने से लोग पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पानी आता मेरे घर में, इतनी परेशान कर रहा हूँ मैं, ना इंजन लेकर अंदर रही ना इंजन, ये छूट गई। और बताओ मैं क्या करूँ, मेरे एक बालक मेरा अपाहिज है, आमदनी मेरी कतई नहीं, आदमी मेरा खत्म हो गया, खेत मेरे पे नहीं, कुछ मेरे पे नहीं। समस्याओं को लेकर कई मर्तबा जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन शिकायत करी, एसडीएम को भी लिखा, प्रधान जी से कहते रहते हैं, ऊपर भी वायरल भी करा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी अभी। ग्रामीणों का आरोप है कि जल भराव की समस्या गाँव में ही कुछ लोगों ने पैदा कर रखी है, जो कि इसको राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपस में राजनीतिक मामला भी चल रहा है कि जिससे लोग जो है एक दूसरे से एक दूसरा वो कटाव माने हुए हैं, वरना रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पानी जाने का रास्ता भी है, और यहाँ इस गांव में सबसे ज़्यादा तालाब है, 16 बीघे का बहुत बड़ा तालाब है, कि पानी जाने की कोई समस्या नहीं है, और वो भी तालाब काफ़ी झील में। और अगर प्रशासन चाहे तो कागजों को देखते हुए कानूनन तरीके से उसे कल्ली खुलवा दें, तो इस गांव की कोई समस्या नहीं होगी। क्षेत्र की इसी समस्या को लेकर कांग्रेस से सदर विधानसभा सीट से विधायक का चुनाव लड़ चुके सुशील चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मलिन बस्ती में जाकर देखा, बहुत गंदा पानी भरा हुआ है, पूरे बस्ती का पानी उनकी बस्ती में जा रहा है, उन्हें बीमारियां हो रही हैं तरह तरह की। वो लोग कह रहे हैं कि एक आदमी हमारा कैंसर से भी मर गया है, क्योंकि पानी पीने का दूषित हो चुका है। और पूरे गांव की समस्या ये है कि 50 मीटर में एक घर के आगे ऊंचा है पूरी बस्ती का पानी, ये 16 बीघे का तालाब है, इसमें पूरी बस्ती का पानी आ सकता है, उस परिवार की वजह से पानी यहाँ नहीं आ पा रहा है। गाँव में ही धरना प्रदर्शन शुरू हो जाने से दर्जनों ग्रामीण महिलाएं और पुरुष धरना स्थल पर हैं। उनका कहना है कि जलभराव की समस्या से निजात नहीं मिली तो उनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बुलंदशहर से पब्लिक न्यूज के लिए अनिल तोमर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार।